नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। जस्टिन लैंगर का नाम सुनते ही सबसे पहले जहन में क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया की वो माइटी टीम जो किसी टीम से हारती नहीं थी, मैथ्यू हेडन का वो जोड़ीदार जो मैदान पर आते ही क्रीज से चिपक जाता था और विरोधियों को पीट कर होश उड़ा देता था। जस्टिन लैंगर शांत स्वभाव के रहे, पर उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता रही। टेस्ट बल्लेबाज का ठप्पा जरूर लगा, पर कुछ पारियां कंगारू ओपनर ने ऐसी खेली जो अद्भुत थी। जस्टिन लैंगर उस ऑस्ट्रेलियाई टीम का ओपनर था जो दूसरों के घर में घुसकर मारना जानती थी और एक से एक बल्लेबाज उस ऑस्ट्रेलियाई टीम में हुआ करती थी। जस्टिन लैंगर और मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के जय और वीरू थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टेस्ट क्रिकेट में बतौर ओपनर साझेदारी की थी 5655 रनों की। इस दौरान ओपनिंग औसत दोनों ही बल्लेबाजों की 52 रन टच इस दौरान ओपनिंग औसत दोनों बल्लेबाजों की 52 की रही, जबकि 113 टेस्ट मैचों में मैथ्यू हेडन और जस्टिन लैंगर एक साथ ऑस्ट्रेलिया के लिए बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे थे। टेस्ट क्रिकेट इतिहास में ये दूसरी सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली सलामी जोड़ी है। बहरहाल 21 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा कोच यानी कि जस्टिन लैंगर का जन्मदिन आता है और इस मौके पर आपको बताते हैं जस्टिन लैंगर की कुछ दिलचस्प बातें। आपको बता दें, मैथ्यू हेडन की तुलना में जस्टिन लैंगर को शोहरत थोड़ी कम मिली, क्योंकि हेडन ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे क्रिकेट में भी पारी की शुरुआत किया करते थे और जस्टिन लैंगर का वनडे करियर तो चला ही नहीं। बावजूद इसके, इस ओपनर ने 105 टेस्ट मैचों में लगभग 45 की औसत से 7696 रन बनाए और इस दौरान 23 शतक भी लैंगर ने लगाए। ऑस्ट्रेलियाई घरेलू क्रिकेट में डॉन ब्रैडमैन के बाद जस्टिन लैंगर से बड़ा बल्लेबाज कोई नहीं हुआ। आंकड़े बताते हैं कि जस्टिन लैंगर ने लगभग 51 की औसत से घरेलू सर्किट में यानी कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 28,382 रन बनाए, साथ ही 86 शतक भी उन्होंने ठोके। लैंगर से आगे सिर्फ ब्रैडमैन ही हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास में 117 शतक लगाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि जस्टिन लैंगर एक विकेट कीपर के तौर पर टीम में आए थे। उन्होंने 8 मुकाबलों में 4 मैचों में विकेट कीपिंग की थी और रिकॉर्ड भी शानदार रहा था। बतौर विकेट कीपर जस्टिन लैंगर का एवरेज 89 का रहा। आपको बता दें कि जस्टिन लैंगर की छवि हमेशा से टेस्ट क्रिकेट बल्लेबाज की बनी रही, पर आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि वो काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी किया करते थे। एक बार हॉबर्ट में न्यूजीलैंड के खिलाफ हेडन जब 1 रन बनाकर खेल रहे थे, उस वक्त जस्टिन लैंगर 7 रन बनाकर क्रीज पर थे। जब हेडन ने अपना दूसरा रन लिया तो उस वक्त जस्टिन लैंगर 58 रन ठोक चुके थे। इससे साफ पता चलता है कि वो कितने खतरनाक बल्लेबाज थे। बहरहाल 2007 एशेज में इंग्लैंड के खिलाफ खेलकर जस्टिन लैंगर ने क्रिकेट को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। मौजूदा समय में जस्टिन लैंगर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के कोच है और टीम को अच्छी तरह से संभाल भी रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।